तो देखो आज हमने मंडी लगा रखी है 40 रुपये किलो, यह है 50 रुपये किलो। और बैंगन है क्या रेट दे रहे हो? बैंगन क्या रेट दे रहे हो? 40। बैंगन 40। और तोरी? 60। तोरी 60 रुपये किलो बेच रहे हो, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं इसको, गुदड़ी? हाँ तोरी वही, वही तोरी वाली। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत जो हो रही है सुबह के, दोपहर के अभी 1 बजने वाले हैं और थोड़ा लेट हो गया ना, मैं भी सीधा गया था मार्केट और कुछ काम था उधर से, तो आपके वापसी का भी करते हैं। और डब्बू के लिए लेके आया हूँ मैं एक लस्सी। डब्बू देखो लुच्ची आ गई आपके लिए। डब्बू की बात पियोगे लुच्ची? तो आजकल ना थोड़ा ही बीमार सा रहता है, मैं इसके लिए लस्सी लाया था। तो बताया जाता है कि डॉग को लस्सी देनी चाहिए ना जब उनकी थोड़ी तबीयत ठीक ना रहे, तो इसके पेट में गुड़गुड़ सी हो रही है। तो दवाई तो मैंने इसको दे दी थी, इसके लिए दवाइयाँ तो मैं लेके आया हूँ। और थोड़ा लस्सी भी मैंने सर्च करा ना, यूट्यूब में सर्च किया, तो तब जाके पता चला कि उनको ना थोड़ी लस्सी भी देनी चाहिए जब बीमार होते, तो उनके लिए फ़ायदे के लिए रहती है, पेट के लिए। तो फटाफट से इसको भी लस्सी देते हैं और उसके बाद फिर आज हमारे घर पर कोई आने वाला है, तो फटाफट से भी मुझे ड्यूटी है इस मेरी खाने बनाने की, तो फटाफट से भी खाना ही बनाता हूँ। और 1 बजने वाले भी हैं और मम्मी का आने का टाइम भी हुआ, तो तब तक आप गैस करो कि कौन आने वाला है, तो आपको फिर बाद में पता चली जाएगा कौन आने वाला है। मैंने इसको लस्सी दे दी है, इधर साइड में पी रहा है, तो इसको अब बाकी जो लस्सी बची हुई ना तो इसको भी बाद में देंगे। तो गाइस, तो देख सकते हो उधर साइड में बन चुके हैं, दाल भी बना दी है, चावल भी बना रहे हैं, बन रहे हैं उधर। और डब्बू इधर लेटा पड़ा है नीचे आराम से, और मम्मी जी आ गए लंच करने के लिए, इधर बैठे पड़े हैं। गाइस, तो फाइनली दादाजी पहुंच चुके हैं, इधर बैठे पड़े हैं, अभी पानी पी रहे हैं। तो दादाजी आ रहे थे जिनको लिए मैंने कहा था कि हमारे घर में कोई आज कोई आने वाला है, और मम्मी जी इधर उन्हें खाने खा लिए, और डब्बू देखो भी सुनने पर लगा पड़े ना। बारिश भी लगी हुई है इधर, देख सकते हो आप। तो अभी देखो इतनी भीड़ नहीं है मंडी में, और शाम के टाइम पे ना बहुत भीड़ हो जाएगी इधर। तो गाइस, तो मैं लिया है, देखो दादाजी पी रहे तम्बाकू, ये होता है। तो मैं इसके अंदर का ही लेके आया था, जो देख रहे होंगे यहाँ पे के अंदर डाल रखा है। भाई थोड़ी देर में फिर चाय बनाऊंगा दादाजी के लिए, तब तक आराम कर लेंगे। तो ये होती है पहाड़ी की टोपी, एक ये वाली और एक दूसरी वाली होती है। तो गाइस, तो दादाजी ना गांव से कुछ सब्जियां लाए थे, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लेके आए थे। तो अभी तो मैंने थैले से निकाली ना, तो देख सकते हो ये गांव की है तोरी, और चचिंडा है गांव के लाए हुए। और ये ना थोड़े थैले में रह गए ना, क्योंकि दादा आए थे कल, और फिर वहाँ से दिल्ली में भी वैसे बदे रह गए, तो थोड़े ख़राब से हो गए, तो फिर गाड़ी में भी आए, तो फिर आते हैं ना मैंने इनको खोल के रख दिया था, तो थोड़े अब ठीक हैं। और ये है अब इतना वो दादा के लिए आए थे, अगर साथ में कोई आता तो नहीं है ना इतना लाना, लंबा सफ़र करना, अगर साथ में कोई और आता जैसे मैं, तो मैं ला पकड़ के ला सकता था। तो फिर भी देख लो दादाजी इतना सामान लेके आ गए, तो एक बैग में रख के लेके आ गए सब्जी खूब सारी।
और भी दिखाता हूँ मैं भी आपको कुछ, तो देख सकते हो। तो वो वहाँ पर गुदड़ी लेके आए हैं और ये कुछ भिंडियाँ देखो कितनी बड़ी बड़ी भिंडियाँ और की हैं, और इधर साइड में बैंगन है, और ये कुछ ये जो सब्जियाँ ख़राब होगी ना तो उनको इधर साइड में रख दिया। तो देखो आज हमने मंडी लगा रखी है, 40 रुपये किलो, ये है 50 रुपये किलो। और बैंगन है, क्या रेट दे रहे हो बैंगन, क्या रेट दे रहे हो? 40 बैंगन 40। और तोरी 60, तोरी 60 रुपये किलो बेच रहे हो, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसको, गुदड़ी? हाँ तोरी, वही वही तोरी, वो वाली, वो तोरी का क्या रेट है? दादाजी लाए थे 3-4 जगह के लिए, थोड़ा मार को दिया, दिल्ली गए थे तो वहाँ भी गए थे वो और के यहाँ, तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ उनको दी और उसके बाद सीधा फिर यहाँ लेके आए। अब देखो इतना सारा सामान लेके आए, देख लो अभी भी इतनी ताकत है दादाजी पे। अगर वो लोग पूजा करने के लिए बुलाते ना तो दूर दूर तक चले जाते हैं, और देखो इतना सारा सामान उठा के भी लेके आ गए। और इसको देखो यहाँ पे चढ़ रखी है मस्ती, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल से खेलने पे लगा पड़ा है, देखो चबा चबा के क्या कर दिया इसने। तो उसको भी खिला दिया और खाना भी है वैसे, और हमने भी ना खाना वाना खा लिया है बस, अभी थोड़ी सब्जी वब्जी रख रहे थे, और इधर से थोड़ी सब्जी चाहिए मौसी जी के लिए।